आज हम बना रहे हैं चीनी का पराठा। जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का तो झटपट बनाइए इस चीनी के पराठे को, और इसे बच्चे बड़े सब बहुत चाव से खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फूड कॉर्नर। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसके लिए हमने लिया है आटा, देसी घी, चीनी और सूखा आटा। सबसे पहले हम आटे की लोई बनाएंगे। हम इसे हाथों के बीच में ऐसे गोल गोल घुमाते हुए लोई बना लेंगे। अब हम बीच में जगह बनाएंगे। उसके लिए हमने इसको सूखे आटे में डस्टिंग कर ली है इसकी। ये देखिए, हम बीच में इसे कटोरी की जैसे जगह बना लेंगे। अब इसमें घी लगाएंगे। हमने अच्छे से घी लगाया है इसके अंदर। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये मैंने एक चम्मच चीनी डाल दी है इसमें। अब हम इसको बंद करेंगे। अब इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे अच्छे से। ये हमने इसे अच्छे से बंद कर लिया है, और इसे एक अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। अब चलते हैं इसे बेलने की तरफ। ये हम इस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। हम इसे एक अच्छी सी राउंड शेप देंगे। इसे ऐसे पलट पलट कर बेल लीजिए। हमें पराठे को एक अच्छी गोल शेप देनी है। ये खाने में बहुत स्वाद लगता है और बिल्कुल झटपट बन जाता है। ये पराठा हमारा बिल गया है। अब चलते हैं इसे सेकने की तरफ। हमने तवा पहले से रखा है, और तवा गर्म होते ही पराठे को इस पर डाल दिया। जब पराठा एक साइड से सिक जाए तो इसे हम पलट देंगे। हमें बहुत अच्छे से नहीं सेकना है पराठे को। हम पहले घी लगाएंगे, और फिर घी लगाकर दोबारा से हम साइड बदल कर इसे सेकेंगे। अब हम इस पर घी लगा रहे हैं। घी आप अच्छे से लगा दीजिए। मैंने यहाँ 2 चम्मच घी लगा दिया है। मेरी चम्मच छोटी है, आप अपने हिसाब से घी लगा सकते हैं। हमने इसे पलट कर फिर से घी लगा दिया है। ये देखिए, हम अच्छे से घी लगा रहे हैं इस पर, और इसकी हम फिर से साइड बदल बदल कर इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, ये पराठा खाने में बहुत स्वाद लगता है, और घर में जब कोई मिठाई ना और कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट बनाइए पराठा। ये देखिए, हमारी चीनी कितने अच्छे से मेल्ट हो रही है, और ये दानेदार चीनी कितनी सुंदर लग रही है ना इसमें। ये देखिए, हम इसकी साइड बदल बदल कर इसको अच्छे से सेक लेंगे। हमें एक बार में ही एक साइड से इसे नहीं सेकना है, वरना ये बहुत टाइट हो जाएगा। हम बारी बारी साइड बदल बदल कर 3-4 बार इसको अच्छे से सेक लेंगे। हम इसे अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे ताकि इसके किनारे भी अच्छे से सिक जाए, और ये बहुत क्रिस्पी भी बने। ये देखिए, हमारा पराठा सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये पराठा खाने में बहुत स्वाद लगता है, और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो झटपट ये पराठा बनाइए और खाइए। ऐसी और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।